वेलकम टू ISCS। ISCS ऑनलाइन के इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वेलकम टू ISCS वीडियो ट्यूटोरियल। नाउ अगेन टुडे वी आर रेडी विद द सेट ऑफ 25 क्वेश्चंस फॉर द रैपिड फायर राउंड। सो नाउ लेट अस प्ले द रैपिड फायर राउंड विद अस टुडे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? सुमात्रा, ग्रीनलैंड, श्रीलंका, जावा। द राइट आंसर इज ग्रीनलैंड। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर टू, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन है? राइट आंसर इज अरब प्रायद्वीप। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर थ्री, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है? उमानंदा, माजुली, न्यूमूर, चांदीपुर। द राइट आंसर इज माजुली। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर फोर, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है? सुमात्रा, जावा, इंडीज या फिर इंडोनेशिया। राइट आंसर इज इंडोनेशिया। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर फाइव, भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंदा किस नदी पर स्थित है? नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी या फिर सोन। राइट आंसर इज ब्रह्मपुत्र। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर सिक्स, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, यमुना, कावेरी या फिर गोदावरी। द राइट आंसर इज गंगा। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर सेवन, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है? गंगा, गंडक, सोन, यमुना। द राइट आंसर इज यमुना। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर एट, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील, अमेजन, सीन या यांगसी। द राइट आंसर इज नील। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर नाइन, विश्व की सबसे चौड़ी नदी है? नील, गंगा, अमेजन या फिर मेकांग। द राइट आंसर इज अमेजन। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर टेन, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? कावेरी, गोदावरी, नर्मदा या फिर गंगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 11, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश है? वेटिकन सिटी, माले, मालदीव या फिर श्रीलंका। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, वेटिकन सिटी। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 12, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश विश्व में है? चीन, अमेरिका, भारत या फिर ऑस्ट्रेलिया। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, चीन। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 13, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है? गोवा, सिक्किम, बिहार, पश्चिम बंगाल। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, गोवा। दोस्तों, अगर आपको 5 सेकेंड से ज्यादा वक्त लगे आंसर चूज करने में, तो प्लीज आप वीडियो को पॉज कर लें, फिर आप सही आंसर चूज करें और फिर इसको रन करें, ताकि आप अपने आंसर्स को सही आंसर से मैच करा सकें। दूसरी बात दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस देखने में इजी हैं, पर इनकी पूछे जाने की संभावनाएं हर एग्जामिनेशंस में ज़्यादा होती हैं,
और कहीं ना कहीं लोग गलती करके आते हैं। तो कृपया आप सारे क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसका आंसर भी ध्यानपूर्वक देखें। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 14। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर दिल्ली? The right answer is Rajasthan. Now look at question number 15. जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है, सिक्किम, गोवा, असम या फिर तमिलनाडु? The right answer is option number A, सिक्किम. Now look at question number 16. जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 17। भारत का सबसे ऊंचा बांध है, हीराकुंड, भाखड़ा नांगल, नागार्जुन या फिर टिहरी? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, टिहरी। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 18। भारत का सबसे लंबा बांध है, भाखड़ा नांगल, मातूर, हीराकुंड या फिर नगरून? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, हीराकुंड। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 19। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन है, रॉकी, आल्प्स, एंडीज या फिर हिमालय? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, एंडीज। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 20। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है, माउंट एवरेस्ट, इंडीज, आल्प्स, हिमालय? The right answer is option number A, Mount Everest. Now look at question number 21. भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, कंचनजंगा, K2, धौलागिरी या नंगा पर्वत? The right answer is option number B, K2. Now look at question number 22. विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, सहारा, अफ्रीका, गोबी या फिर थार? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सहारा। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 23। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, कैप्सियन सागर, टिटिकाका झील, सुपीरियर झील या बैकाल झील? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कैप्सियन सागर। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 24। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है, गोबी, थार, अटकामा या तकलाकामा? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, गोबी। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 25, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ रैपिड फायर राउंड। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है, थार, गोबी, सहारा या इनमें से कोई नहीं? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, थार। दोस्तों, आज का रैपिड फायर राउंड यहीं समाप्त होता है। आप इसे बार बार देखें ताकि ये सारे सवालों के जवाब आपके बैक ऑफ द माइंड में सेट हो जाए। इन सारे क्वेश्चंस का जवाब आपको हमेशा अपने जुबान पे रेडी रखना है। ये सारे सवाल हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाने की सारी संभावनाएं हैं। आने वाला एग्जाम
जो एनटीपीसी रेलवे का है उसके लिए सारे सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, आज का रैपिड फायर राउंड यहीं समाप्त होता है। हम फिर उपस्थित होंगे एक नए रैपिड फायर राउंड को आपके समक्ष लेकर कल सुबह। तब तक दोस्तों, आप हमारे वीडियोस को देखते रहें। दोस्तों, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारा जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ऐसे हम रोजाना वीडियो अपलोड करते हैं, मॉर्निंग में हमारा रैपिड फायर राउंड आपको 7-8 बजे तक जरूर मिल जाता है। तो दोस्तों, आज बस इतना ही, फिर हम मिलते हैं कल एक नए रैपिड फायर राउंड के साथ। गुड बाय, सी यू, और हमारा वीडियो देखते रहें। थैंक्स अ लॉट।